जिला के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में बीते 4 दिन पहले सोनवर्षा दक्षिण टोला निवासी चतुरानंद झा का शव आखिरकार एनडीआरएफ की टीम ने कोसी नदी से निकाला। एनडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद शव को थाना बिहपुर क्षेत्र के पोड़ा गांव से आगे बारुल गांव के समीप कोसी नदी से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले मृतक चतुरानंद झा शौच के लिए कोसी नदी के समीप गए हुए थे कि अचानक पैर फिसलने से वह नदी में गिर गए और 4 दिन तक उसी नदी में थे, जिसके बाद 4 दिन बाद शव को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। इसके बाद मौके वारदात पर सोनवर्षा राजा थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। कैसे नदी में डूबा, क्या है पूरा मामला बताएंगे। शनिवार के रात का 8 बजे का घटना है। लैट्रिन करके सोच करने के लिए गया, जैसा वहां का लोग बताया अस्थाई, और उसी स्थिति में जो फिसल गया शनिवार के रात। कहां गया था? लैट्रिन गया था। कहां? धार नदी या नदी तिलावे नदी, मेरे घर से पश्चिम तिलावे नदी है, वहां गया था, फिर फिसल गया। लैट्रिन करने गया था, उसी में फिसल गया। क्या नाम है उसका? श्री चतुरानंद झा, सोनवर्षा राज। कितना उम्र होगा? 60 वर्ष उम्र। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार झा। घर? सोनवर्षा राज। कहाँ आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? एक आदमी डूबा है जो पानी में लैट्रिन करने गए थे, जिसको हम सदर सहरसा लेके आए हैं। कौन सी कराने के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार पासवान। कौन थाना? सोनवर्षा राज थाना।